हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहरी हर्षुल शर्मा एनसीईआरटी पैटर्निंग बुक है। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। और मैं अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 का। पहले मैंने आपको कल फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था पार्ट फर्स्ट, आज मैं उसके आगे आपको बताऊंगा। तो आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, आपको 9 नंबर क्वेश्चन 8 तक मैंने बताया था, अब आप उसको आगे 9 नंबर दिखाते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ये लिखाशित कीजिएगी 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर 1, cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin 52 बराबर 0, 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर 1, 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर 6। हमको निकालना है, LHS हमने ले लिया है, अब आपको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको चेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू हमको चेंज कर लेना है, तो चेंज कर लेते हैं। देखते हैं चेंज करने पर, यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर लेंगे, ज्यादा आएगा 10 90 माइनस के हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास 42 इंटू में आ जाएगा 10 90 माइनस के आ जाएंगे हमारे पास 67 इंटू में आ जाएगा 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री आपके पास ये रहा। अब देखिए 10 90 में सीटा होता है हमारे पास कॉट थीटा, और ये हो जाएगा 10 90 में सीटा हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू में आ जाएगा 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री बटे 10 का उल्टा होता है हमारे पास कॉट का उल्टा होता है 10 42 डिग्री इंटू में आ जाएगा 10 67 डिग्री। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 1, तो यही हमको लाना था, जो हो गया हमारे पास क्वेश्चन, जो हो गया हमारे पास सेकंड नंबर। अब आपको बताते हैं इसी का 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। आप लोग कोशिश करते रहिए लगाने की, आप लोग लगा सकते हैं, थोड़ा स्पीड में भी बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस आपको पूरा से पूरा कवर करना है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 हमारे पास लेक्चर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से हमने एक चो चेंज कर सकते हैं, cos 90 माइनस हो जाएंगे 52 हो जाएगा cos हमारे पास 52 डिग्री माइनस sin हो जाएगा 90 माइनस के 52, किसी एक को चेंज करना है, हो जाएगा हमारे पास sin 52 डिग्री, और जो जाएंगे cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, और जो जाएंगे cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 में सीटा हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू में जाएंगे साइन 52 डिग्री, साइन कॉस कट गया, बचेगा हमारे पास 0, जीरो गया हमारे पास RHS, जो होगा 9 का सेकंड नंबर। आप दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके पास लिखा हुआ है, यदि 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते है। अब देखिए आपसे हमको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिखना है 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 10 90 में सीटा होता है हमारे पास कॉट 90 माइनस का 2a बराबर कॉट a माइनस के 18 डिग्री। अब देखिए 10 90 में सीटा होता है हमारे पास कॉट थीटा बराबर कॉट ए माइनस के 18, कॉट से कॉट हमारा कट जाएगा तो बचेंगे हमारे पास, सॉरी कॉट से कॉट यहीं पे कटेंगे तो बचेंगे 90 माइनस का 2a बराबर ए माइनस के 18 डिग्री। अब 90 इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, जैसे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2a माइनस का a बराबर माइनस के 18 माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 90, फिर जाएंगे माइनस के 3a बराबर माइनस के 108 माइनस हो जाएगा प्लस ए बराबर हो जाएगा 108 बटे ए सॉरी 3, जो हो जाएंगे हमारे पास 36 तरीका होते हैं 108, ए बराबर हो जाएगा 36 डिग्री, ए का मान 36 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर, क्योंकि हमें बताना था ए का मान ज्ञात करना था। जी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है 11 नंबर देखिए आप लोग को क्या करना है, जिस क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है आपको आंसर,
बताना है, किसी एक मान को चेंज कर देना है आपको। जैसे ही आपको चेंज करेंगे वही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको बताते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि कॉस 35 बटे साइन 55 साइन 11 बटे कॉस 79 माइनस कॉस 18 कॉस 62 बराबर 1। तो हमने LHS ले लिया है। अब यहाँ पे हमको चेंज करना है, चेंज करने के लिए हमको वैल्यू निकालना है। इसमें से हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेंगे, कॉस 90 माइनस के 55 बटे साइन 55 प्लस कॉस 90 माइनस के 79 बटे कॉस 79 और जो जाएंगे माइनस के कॉस 28 और इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस का उल्टा होता है साइन, तो जा जाएंगे साइन 90 माइनस के 28। अब देखिए यहाँ से मैं ये बन जाएगा कॉस 55 डिग्री बटे सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा होता है, हम भी भूल गए, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। साइन 55 बटी आ जाएगा साइन 55 प्लस ये हो जाएंगे हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस यहाँ पे साइन आएगा सॉरी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आज थोड़ा पिन बताना है डार्क नहीं चल रहा है, कॉस हो जाएंगे हमारे पास 79 बटे कॉस 79 माइनस को हो जाएगा कॉस 28 डिग्री बटे हो जाएंगे हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस 28 कॉस कट गया जी जी सारे कट जाएंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 हमारा आंसर जाएगा 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। देखिएगा बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन। साइन 36 अब देखिए हम यहाँ पे साइन 36 कॉस 36 बटे साइन 54 प्लस साइन कॉस 54 प्लस साइन 54 लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो याद आएगा हमारे पास साइन 90 माइनस के 54 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस के 54 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री सॉरी याद आएगा हमारे पास कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जिस सारी कट जाएगी क्या बचेगा एक आर एच एस हमारा प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं आता एल एच एस बराबर हो जाएगा हमारे पास आर एच एस। देखिएगा बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एंजॉय करते रहिए साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते रहिए। हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर आप बताते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं। तो जी वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ये आपको देखिए हम हिंस में दिए दे रहे हैं। इसमें किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें भी किसी एक को चेंज कर लेंगे आंसर में और यहाँ वन यहाँ वन 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 हो जाएंगे दो। तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, कितना आसान क्वेश्चन है 13 नंबर 14 नंबर। अब बताते हैं आपको 15 नंबर। देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 साइन 81 बटे कॉस 9 माइनस 10 40 बटे कॉस 50। किसी एक को चेंज कर लेंगे ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे आपको मान मिल जाएगा। इसमें भी आंसर आपको एक मिलेगा। ये वाला भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हमें ऐसा लगता है, तो आप लोग अच्छे से आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन बुक, तो आप लोगों ने ऑलरेडी परचेस कर ली होगी, आप लोगों को बुक में क्वेश्चन ये सारे दिए हुए हैं। लिखा कॉस 48 माइनस साइन 42। अब इसमें से किसी एक को चेंज करना है, आप लोग किसी एक को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे। हमें दिया है कॉस 48 या साइन 48, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। लिख सकते हैं क्या कॉस 48 सॉरी और माइनस ये हो जाएंगे साइन 90 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 48। ये हो जाएंगे हमारे पास कॉस 48 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो बह जाएगा 0 हमारे पास आर एच एच एस, तो हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये 15 हो गया। अब आपको बताते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग 16 नंबर लगा सकते हैं। 16 के बाद आपको 17 18 19 20 बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। लिखा हुआ 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोण में तीन अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ये आपको बताना है। बहुत आसान बहुत सिंपल है, साइन 67 प्लस कॉस 75 यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री
अब यहाँ से वैल्यू हम किसी वैल्यू किसी भी एक वैल्यू को हम चेंज करेंगे, एक को नहीं दोनों को चेंज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी साइन 90 माइनस को जाएंगे 23 प्लस कॉस 90 माइनस को जाएंगे 15। तो जो जाएंगे हमारे पास कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं क्या साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा। इसलिए चूंकि 23 और 15 दोनों ही क्या हमारे 0 45 के बीच के भी हैं, 0 और 45 के बीच के कौन है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता दिया गया, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए मैंने, आप लोग लगाइएगा और साथ ही साथ एंजॉय भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। चलते चलते फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो कल फिर मिलते हैं नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।